ट्रेवल्स टॉक में आपका स्वागत है। कटनी इतिहास प्रेमियों के लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है। देखा जाए तो कटनी सांस्कृतिक विरासत का एक समृद्ध भंडार है, क्योंकि यहाँ माघकोशल, बुंदेलखंड, बघेलखंड के अवशेष देखे जा सकते हैं। कटनी अपने नाम के पीछे एक दिलचस्प इतिहास समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि कटनी का नाम कटनी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के बहादुर लोग विद्रोहियों और लुटेरों के सिर काटते थे और लोगों को डराने के लिए उनको लटका दिया जाता था। कटनी जिले को मुडवारा के नाम से भी जाना जाता है। कटनी जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। कटनी में आपको चूने की कई खदानें देखने को मिलेगी, साथ ही बहुत सी चूने की चट्टानें भी देखने को मिलेगी। कटनी एक समृद्ध जिला है। आपको कटनी में घूमने के लिए कई सारे पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे जो अपने आप में बड़ी ख्याति रखते हैं। इन पर्यटन क्षेत्रों में बहुत से पर्यटन ऐतिहासिक और प्राचीन है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर एक, विजय रावगढ़ का किला। कटनी भ्रमण की शुरुआत आप यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों से कर सकते हैं। विजय रावगढ़ का किला नगर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के रूप में जाना जाता है। यह एक प्राचीन किला है जिसका निर्माण 1826 में करवाया गया था। इस किले को बनाने में चूना और सैंड स्टोन का प्रयोग किया गया था। आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी ये किला अपनी मजबूत दीवारों के साथ गर्व से खड़ा है। आप यहाँ अनंतपुर, गुप्त द्वार, समाधि स्थल, रंग महल, सीता मंदिर आदि देख सकते हैं। नंबर दो, जागृति गार्डन। ये एक शेरी पार्क है जहाँ पर्यटन आना पसंद करते हैं। इस स्थल को शेर का एक आरामदायक आशियाना भी कहा जा सकता है। खूबसूरत बगीचों के साथ यहाँ पैदल मार्ग बनाए गए हैं। ये एक शानदार पार्क है जहाँ एक क्वालिटी टाइम अपने परिवार या दोस्तों के साथ बिताया जा सकता है। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में साइंस पार्क और डक ट्रेन भी शामिल है। डक ट्रेन की सवारी करना बच्चों को बहुत ही पसंद है। इनके अलावा पार्क में खाने पीने की व्यवस्था भी है। नंबर तीन, रूपनाथ धाम। रूपनाथ धाम एक धार्मिक स्थल है। रूपनाथ धाम बहोरी बंद तहसील से करीब 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आपको भगवान शिव जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर रामकुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड नाम के 3 तालाब है। रूपनाथ मंदिर के ऊपर भी एक तालाब मौजूद है। यहाँ पर पहाड़ियों का दृश्य मनोरम है। यहाँ बरसात में आपको एक झरना देखने को मिलता है। नंबर चार, काम कंदला किला। बिलहरी तहसील में स्थित ये किला शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। किला बहुत ही ऐतिहासिक है। यह आने वाले पर्यटकों को अपनी अद्भुत बनावट और कलाकृतियों से आकर्षित करता है। किले के चारों ओर फैली प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही खूबसूरत है। काम कंदला किले के अंदर कुछ प्राचीन मूर्तियां भी देखने को मिलती है। बिलहरी के आसपास और भी बहुत सारे मंदिर देखने के लिए हैं जो कि बहुत प्राचीन है। नंबर पाँच, सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर प्रसिद्ध महर्षि विद्यापीठ संस्थान स्थापित है। सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है। ये जगह कटनी के पान उमरिया के करीब स्थित है। सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया कटनी शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। नंबर छः, गोगरा नर्सरी वाटरफॉल। गोगरा नर्सरी वाटरफॉल एक खूबसूरत झरना है। यहाँ पर झरने के पास एक मंदिर भी है जहाँ आकर आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। ये झरना छोटा है लेकिन खूबसूरत है। नंबर सात, मोहास का संकट मोचन मंदिर। मोहास हनुमान मंदिर कटनी शहर की रीटी तहसील में स्थित है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मोहास का हनुमान मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर में हनुमान जी को डॉक्टर माना जाता है जो लोगों की हड्डियों का इलाज करते हैं। नंबर आठ, सुरमई पार्क कटनी। सुरमई पार्क कटनी जिले का एक प्रमुख पार्क है। ये पार्क कटनी जिले में कटाई घाट जाने वाली सड़क पर स्थित है। ये पार्क बहुत खूबसूरत है। इस पार्क में आपको झील भी देखने के लिए मिलती है जिसमें बोटिंग का मजा लिया जा सकता है। इस पार्क में एक टॉय ट्रेन है और इनके अलावा बच्चों के लिए इस पार्क में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। नंबर नौ, चतुर्युग धाम बडेरा। ये कटनी शहर के बडेरा गांव में स्थित है। चतुर्युग धाम बडेरा कटनी से करीब 15 किलोमीटर दूर है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पर आपको 5 मंजिलें देखने के लिए मिलती है जो अलग अलग युग को समर्पित है। यहाँ पर पहली मंजिल सतयुग, दूसरी मंजिल त्रेता युग, तीसरी मंजिल द्वापर युग, चौथी मंजिल कलयुग और सबसे ऊपरी मंजिल माँ दुर्गा मंदिर को समर्पित है। नंबर 10, बांदा इमलाज मंदिर। जिले के रीटी तहसील का बांदा इमलाज स्थित राधा कृष्ण मंदिर
को लोग लघु वृंदावन कहते हैं। खास बात यह है कि मंदिर में लगे हर पत्थर की नक्काशी एक मुस्लिम कारीगर बादल खान ने की थी। 85 वर्ष पुराने मंदिर की नींव से लेकर गुम्बद तक के निर्माण में मात्र 15,000 रुपए और 11 साल तक मालगुजारी में मिलने वाले अनाज का खर्चा आया था। यह एक शानदार मंदिर है। इनके अलावा आप उमरडोली डैम, केमोरी डैम, माँ जालपा मंदिर, वसुधा झरना, भहोरी बंद डैम देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कटनी जिले का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।